Assalamu alaikum. My name is Param. I'm Harman. I am Manjul. Welcome back to our channel, guys. So we are back again with another new video. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान को ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो हेट करती हैं. टॉप फाइव कंट्रीज दो हेट पाकिस्तान. एंड आपको सच बताऊँ तो अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो मतलब लोग नॉलेज होने की वजह नहीं होने की वजह से ऐसा गलत समझते हैं पाकिस्तान को. एंड लाइक वी आल्सो यूज्ड टू डू द सेम थिंग. मैंने अपना वो एक वीडियो डाला था मैंने व्हाट वी यूज्ड टू थिंक अबाउट पाकिस्तान बिफोर एंड नाउ. अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा आई डोंट नो, बट हमने वो डाला था एंड उसमें हमने बताया था कि क्या बचकानी चीज़ें थी दिमाग में, कैसी कैसी चीज़ें थी दिमाग में. एंड ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते थे जो अगर वो अभी सोचें एंड वो सोचना स्टार्ट करें कि क्या सोचते थे, भाई हंसी आती है. बहुत ज़्यादा हंसी आती है. एंड इट वाज लाइक यार बहुत ही मतलब अलग ही पर्सपेक्टिव था. मे बी वो इस वजह से हो सकता है कि हमने जो देखा, हमने जो सुना, उस वजह से जाना नहीं ना, देखा और सुना. जो देखोगे सुनोगे नहीं, देखेंगे सुनेंगे, जो दिखाएंगा वही देखेंगा ना. अगर कुछ गलत दिखा रहे तो गलत ही देखोगे तुम, है कि नहीं. जैसे अभी कोई मीडिया में कुछ हो जाता है या कहीं भी हो जाता है, अभी क्या होता है ना, अगर कोई इंसान एक गलत निकलता है ना, एक इंसान पर्टिकुलर वन पर्सन, एंड उसके साथ वो बेचारे पीछे मासूम इंसानों को भी वैसे ही समझते हैं, वो गलत बात है. तो ये थोड़ी मैच्योरिटी आ चुकी है अभी हम में कि ऐसा कुछ नहीं होता. पाकिस्तान में बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, हमें तो इतना प्यार करते हैं यार, हमें तो इतनी इतनी दुआएं देते हैं भाई, इतनी दुआएं भाई, दुआओं का असर है आपके. और तो क्या ही है कि हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए. दुआओं के बिना तो क्या ही चलता है यार, हम क्या चीज़ है, हम कुछ भी नहीं है, क्या ही करते हैं हम रिएक्शन. मतलब हम तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि यार आपके तरफ एक नॉलेज पहुँचानी है, नॉलेज पहुँचाने का काम करना है, बट दुआओं का असर है ये कि भाई हम एक बिना नॉलेज बिना नॉलेज और कुछ भी नहीं आता था हमको, मतलब, और हमारे अभी 1,25,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये दुआओं का असर होता है. एंड मेहनत तो है ही, बट हम तो कुछ करने वाले नहीं है, सब तो ऊपर वाला ही करता है. एंड पाकिस्तान के बारे में अभी हम क्या सोचते हैं वो बताता हूँ. जो पहले सोचते थे वो छोड़ दो अभी. अभी हम सोचते हैं कि वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत अच्छी है. मैंने वीडियो देखी थी जब सरदार सिख गए थे पंजाब के, जो हमारे इंडिया के सिख गए थे वहाँ पे, तो लाहौर में जब गए थे वो, इतने सारे भर भर के सिख गए थे भाई. एंड सबकी कितनी खातिरदारी की वहाँ की गवर्नमेंट ने, एंड उसके बाद वहाँ की आवाम ने, एंड मीडिया ने भी, मतलब सब ने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी. मतलब ऐसा उन्होंने ट्रीट किया कि भाई कौन आ गया होता है, मतलब अलग ही सीन, मतलब ऐसा वाला. तो मेरे को ना वो चीज़ बड़ी इम्प्रेस कर गई कि भाई इतनी हॉस्पिटैलिटी, इतनी ज़्यादा भाई साहब है. एंड ऊपर से जो पठानों की हॉस्पिटैलिटी होती है, या फिर कोई भी इंसान जो भी है पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी पाकिस्तान जाना जाता है हॉस्पिटैलिटी की वजह से. अगर हम पहले के जैसे अभी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनकी बात भी सुनेंगे ना, पुराने वाले जो गए हुए हैं वहाँ पर, या फिर कोई भी अगर पॉलिटिशियन भी लगा लो जो भी वहाँ पर गए हैं, तो उनकी हॉस्पिटैलिटी उनके मुंह से मैंने बहुत बार सुना है भाई कि वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत है. हालांकि इख्तलाफ रहता है, वो इख्तलाफ एक गलत फहमी टाइप इख्तलाफ है, ऐसा वो सॉल्व हो सकता है, वो इंसान ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट. बट वो सॉल्व होता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं होता, आई डोंट नो. मैं तो बोलता हूँ सॉल्व हो जाए यार, है ना, बंदा उधर के लोग इधर आ सके, इधर के लोग उधर जा सके, अच्छे से रह सके, एंड सब प्यार बने, अमन और शांति और सुकून से रहें, एंड सब अच्छे से रहें. सब लोग थोड़ी ख़राब हैं, जो ख़राब लोग हैं उनको साइड में करो, जो लोग अच्छे हैं उनको तो करने दो यार, जो करना है कि नहीं. एंड बहुत अच्छा लगा. एंड अभी देखते हैं वीडियो में क्या दिखेगा, हमें क्या पता चलेगा. बुरा नहीं मानना किसी ने, ठीक है जी, वीडियो में कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ही देखो, बस हंसो मस्त अच्छे से, क्या टेंशन है. लेट्स स्टार्ट दिस. भी ममालिक ऐसे हैं जो किसी ना किसी दूसरे मुल्क से नफरत जरूर करते हैं. इस नफरत की वजह या तो इन ममालिक के दरमियान जुड़े बॉर्डर्स होते हैं, या फिर इन ममालिक के मजहब, या फिर कोई और वजह. लेकिन दुनिया के हर मुल्क का किसी न किसी दूसरे मुल्क से झगड़ा जरूर होता है, फिर चाहे वो कोई यूरोपियन मुल्क हो या एशियन. इस वीडियो में हम दुनिया के उन ममालिक का जिक्र करेंगे
जो पाकिस्तान को नफरत की निगाह से देखते हैं और पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन क्यों? इन मुमालिक की पाकिस्तान से नफरत की वजह अलग अलग है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूं यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स। म्यांमार बर्मा। म्यांमार एक एशियन मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 6 करोड़ के लगभग है। इस मुल्क पर पहले बरतानिया का कब्जा था, लेकिन फिर 4 जनवरी 1948 को ये बरतानिया से आजाद हो गया। इस मुल्क में 88% लोगों का मजहब बुद्धिज्म, 6% लोगों का मजहब ईसाई, 4% इस्लाम और तकरीबन 1.5% बाकी मजाहिब के लोग मौजूद हैं। यानी इस मुल्क का ऑफिशियल मजहब बुद्धिज्म है और ये लोग मुसलमानों से इंतहाई नफरत करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान म्यांमार की हर जगह मुखालफत करता है। अब चूंकि पाकिस्तान म्यांमार को क्रिटिसाइज करता है, तो इस मुल्क की गवर्नमेंट और लोग भी पाकिस्तान से नफरत करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। हाल ही में म्यांमार के कट्टर बुद्धिस्ट लोगों ने रोहिंग्या के मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया और चंद दिन में ही इन बुद्धिस्ट लोगों ने हजारों मुसलमानों के गले काट दिए और यूरोपीय यूनियन मुंह देखती रही। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान म्यांमार के खिलाफ खड़े हुए और खुलकर मुजाहमत की। म्यांमार की पाकिस्तान से नफरत करने की वजह एक तो मुस्लिम मुल्क होना है और दूसरा ये कि पाकिस्तान म्यांमार की सरेआम मुखालफत करता है। इसराइल। इसराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी अजलों से चलती आ रही है और इसराइल की पाकिस्तान से नफरत करने की बड़ी वजह है फलस्तीन और इसमें रहने वाले मुसलमान। इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करता है, इसीलिए पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर इसराइल को न सिर्फ कंडेम करता है बल्कि इसकी खुलेआम मुखालफत में भी पहली सफ में खड़ा होता है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वो वाहिद एटमी मुल्क है जिसने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और इसी वजह से इसराइल के लोग भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। पाकिस्तान इसराइल को एक नाजायज और इलीगल स्टेट कंसिडर करता है क्योंकि ये जमीन फिलिस्तीन और इसमें रहने वाले मुसलमानों की थी। इसराइल तो इस पर जबरदस्ती आन काबिज हुआ। अब इसराइल ये चाहता है कि पाकिस्तान इसे एज अ कंट्री तस्लीम कर ले और इसराइल ने यूरोपियन मुमालिक के जरिए कई बार पाकिस्तान पर इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए दबाव भी डाला, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से यहूदियों की अना की धज्जियां उड़ जाती हैं और ये पाकिस्तान से नफरत करते नजर आते हैं। अगर आज पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर ले तो इसराइल की सारी नफरत और दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान इस नफरत की आग को जलाए रखेगा क्योंकि यहाँ बात है फलस्तीन की, फलस्तीन में रहने वाले मुसलमानों की। पाकिस्तान इन फलस्तीनी मुसलमानों की जानों का सौदा कभी नहीं करेगा। अमेरिका। कुछ अरसे कबल तक तो अमेरिका पाकिस्तान को अपना चहेता समझता था, लेकिन जब से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका को साफ अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट बोला है, पाकिस्तान अमेरिका की नफरत का निशाना बन रहा है। ये लोग मुसलमानों को तो पहले से ही नफरत की निगाह से देखते थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान अमेरिका को हर जगह सपोर्ट करता था, यहाँ तक के अपने मिलिट्री अड्डे भी दिए। लेकिन ये वो कौम है जो जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर देती है। अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल भी किया और फिर पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगाए और फिर आखिर में एब्सोल्युटली नॉट सुनकर अमेरिका के होश उड़ गए। पाकिस्तान ने जब ये बयान दिया कि अब पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी नहीं करेगा, तो अमेरिकन गवर्नमेंट को शायद यकीन ना आया हो। इस वर्ड एब्सोल्युटली नॉट की तपश अमेरिका से होकर वापस पाकिस्तान तक भी पहुंची और 9/11 के बाद से शुरू होने वाली मुसलमानों के खिलाफ इन कुफार मुमालिक की नफरत अब एक्सट्रीम हद तक पहुँच चुकी है। अमेरिका अब पाकिस्तान में फसादात करवाना चाहता है और अमेरिका ये चाहता है कि इमरान खान की जगह कोई ऐसा लीडर आए जो इसकी गुलामी करे, लेकिन इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे मुमालिक हैं जो बंटवारे के बाद से ही न सिर्फ एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हैं। इन दोनों मुमालिक के दरमियान दुश्मनी की बड़ी वजूहात में कश्मीर और पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर शामिल है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप इन दोनों मुमालिक की आवाम की राय लें तो इनमें रहने वाले 80% से ज्यादा लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते बल्कि एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखते हैं। इन मुमालिक के दरमियान नफरत फैलाने में भारतीय मीडिया और इंडियन शिद्दत पसंद पार्टी BJP है जो मुसलमानों से इंतहाई नफरत करते हैं।
भारतीय मीडिया अपने ही मुल्क के लोगों को झूठी और मनगढ़ंत खबरें सुनाकर तैश दिलाता है और पाकिस्तान के खिलाफ भड़काता है। अब यहाँ सवाल है कि क्यों? क्योंकि ये भारतीय मीडिया का वो मंजन है जो सबसे ज्यादा बिकता है और इंडिया की आवाम इस बात को एक्सेप्ट भी करती है कि नफरत फैलाने में भारतीय मीडिया सबसे आगे है। फ्रेंड्स, YouTube पर कुछ ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं जिनमें इंडियन लोगों को पाकिस्तानी फ्लैग देकर कहा जाता है कि इसे जला दो, इसके बदले आपको 5000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन ये इंडियन लोग इस फ्लैग को नहीं जलाते। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में भी किए गए। पाकिस्तानी लोगों ने भी इंडिया का फ्लैग जलाने से साफ इनकार कर दिया, तो साबित हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान की आवाम एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते। इस नफरत के पीछे इंडियन मीडिया और बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर आज मसले कश्मीर हल कर दिया जाए, इंडियन मीडिया की जुबान पर ताला लगा दिया जाए और बीजेपी को भारत से उखाड़ फेंका जाए, तो पाकिस्तान और भारत में अमन कायम हो जाएगा, क्योंकि इन मुमालिक की जुबान, खाना पीना, रहना सहना बिल्कुल एक जैसा है। डेनमार्क की पाकिस्तान के साथ नफरत करने की बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान डेनमार्क में होने वाले इस्लाम के खिलाफ मुजाहिरों को ओपनली कंडेम करता है। फ्रेंड्स, क्या आप बिलीव करेंगे कि डेनमार्क के शहरों की सड़कों पर इस्लाम के खिलाफ बाकायदा तौर पर रैलियां निकाली जाती हैं? 2006 में डेनमार्क के एक शख्स ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका तैयार किया था, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया में गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। पूरी दुनिया में मुसलमान डेनमार्क के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, जिनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त था, और पाकिस्तान ने डेनमार्क को हर प्लेटफॉर्म पर सख्त अल्फाज में कंडेम किया। फ्रेंड्स, अगर आप गौर करें तो ज्यादातर मुमालिक की पाकिस्तान से नफरत करने की मेन वजह मजहब यानी इस्लाम है, यानी ये कुफार मुमालिक इस्लाम के खिलाफ हैं, और जो इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ है, पाकिस्तान उसके खिलाफ है। और दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमानों या इस्लाम के खिलाफ बात होती है, पाकिस्तान उसे ओपनली कंडेम करता है और उस मुल्क के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता है। और पाकिस्तान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुल्क इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान से नफरत करे। सही बात है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो गाइस, दिस वाज अ रिएक्शन ऑन टॉप 5 कंट्रीज हु हेट पाकिस्तान, एंड उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। एंड जैसे उन्होंने बताया ना कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आवाम है, 80% आवाम, मैं तो बोलता हूँ 90% होगी, सिर्फ वो 10% ही लोग होंगे। अभी 150 करोड़ का 10% कितना होता है? 13 करोड़ आसपास, 130 करोड़ का कितना, 13 करोड़ या 15 करोड़ ला लो, चलो 15 करोड़ को छोड़ के बाकी सारे पीस चाहते हैं भाई। पीस मतलब फ्रेंडशिप, दे लव, दैट्स इट। यार उधर के लोग इधर के सिंगर्स मूवीज़ देखते हैं, सिंगर्स को सुनते हैं, इतना प्यार करते हैं। इधर के लोग उधर के सिंगर्स को इतना प्यार करते हैं। आतिफ असलम भाई, किसको पूछो यार, आतिफ असलम किसको पसंद नहीं है, किसको नहीं पसंद। उधर के ड्रामे इधर इंडिया में ट्रेंडिंग में होते हैं भाई, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग देखते हैं, सोचो कितने लोग देखते हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पीस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। एंड मतलब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर पीस चाहते हैं तो पीस बनाओ ना यार। ज़्यादातर लोग तो पीस ही चाहते हैं ना, तो दुश्मनी क्यों दिखानी है, फैलानी है, वो तो गलत बात है। इसी वजह से हम हमेशा ट्राई करते हैं कि यार हमारे चैनल पे ऐसी चीज़ें आएँ कि जो दोनों देशों के जो आवाम है ना, एटलीस्ट, चलो हम गवर्नमेंट का तो कुछ कर नहीं सकते, दोनों लाइक देशों के, वो तो उनको पता है उनको क्या करना है। हम इतने उस मुकाम पे नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ, बट हम इतना तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो चंद लोग हैं, कुछ लोग हमारी वीडियो देख के उनको थोड़ा समझ आए कि ऐसा कुछ है नहीं यार, कि ना ही उधर ऐसा कुछ है ना ही इधर ऐसा कुछ है, दोनों साइड एकदम अमन सुकून, एकदम प्यार वाली चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है। एंड हमारे तो सारे डाउट्स क्लियर हुए पड़े हैं, मतलब जो भी हमारे दिमाग में जो चीज़ें थी, जो हमने देखी थी, सुनी थी, भाई मक्खी नॉनसेंस, जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें, देखो इधर आके बैठे, जो हमारे दिमाग में चीज़ें थी
जो हमारे दिमाग में चलती थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. एंड वी हम ऐसा नहीं सोचते, पहले तो हम ऐसे लगते थे यार, ऐसे ऐसे दिमाग में आता था भाई अगर उधर चले गए ना तो वापस नहीं आएंगे, पकड़ के हमको ना मार भी देंगे कुछ ऐसा कुछ सीन है. मतलब मेरे जैसे सोचो कितने लोग सोचते हैं ऐसे, सोचो अगर मैं ऐसे सोचता हूँ तो कितने लोग सोचते होंगे पहले. तो अब नहीं है भाई, अब ऐसा कुछ नहीं है. मेरे को पता है अगर हम उधर गए तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे बहुत प्यार से हमारा स्वागत करेंगे, हमें अच्छे से हॉस्पिटैलिटी हमारी अच्छी होगी एंड बहुत प्यार अमन सुकून से रहेंगे. एंड ऐसे ऐसा नहीं, मतलब ऐसे अगर उनको पता चलेगा कि इंडिया से है ना बंदा ये, तो फिर उसकी और खातिरदारी करेंगे. मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं सच में यार, झूठ नहीं बोल रहा मैं, देखा था ना हमने. हाँ वही तो. सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में. सो गाइस थैंक यू सो मच.